कार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4 विषय हिंदी के SF3 यानी तृतीय योगात्मक आकलन के प्रश्न पत्र की। तृतीय योगात्मक आकलन कक्षा 4 का हिंदी का प्रश्न पत्र किस तरह से होगा, जिसमें सबसे पहले सत्र लिखा आएगा, नाम होगा आपका लिखने का, साथ ही दिनांक और रोल नंबर यहाँ पे लिखने होंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, कुर्ज को किसने छुड़वाया, गडरिये ने, किसान ने, उंद्रे ने या ग्वाले ने। तो यहाँ राइट होगा ग्वाले ने, द राइट होगा। फिर बात करते हैं गहतारी का अर्थ होता है, गहतारी का अर्थ होता है पालन पोषण करने वाली अर्थात माता, माँ, रिक्त स्थान को भरना है, पश्चिम के टीले। यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं, तो मटमेले या रेतीले, पश्चिमी राजस्थान में रेतीले टीले हैं तो या रेतीले शब्द का प्रयोग करेंगे। कुर्ज की सुनकर ग्वाले को दया आ गई, बात या विनती, तो यहाँ पे विनती सुनकर उसको दया आ गई। फिर अगला प्रश्न है, खेत के मालिक ने कुर्ज को पकड़ने के लिए क्या किया, तो खेत के मालिक ने कुर्ज को पकड़ने के लिए क्या किया था उसके बारे में यहाँ लिखना है। फिर किस धरती पर हमने जन्म लिया है, तो हमारे किस धरती है उसका नाम लिखना है कि हमारा जन्म स्थान क्या है। खेतों में कैसी फसलें खड़ी है, पहाड़ के आधार पर आपको इसका प्रश्न का उत्तर लिखना है। सातवां प्रश्न दिया गया है, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखने हैं, तो किसी जाति, स्थान, व्यक्ति या कोई भी जगह या किसी प्रकार का नाम हो तो उस नाम को संज्ञा कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। संज्ञा के बारे में संपूर्ण जानकारी हमारा एक वीडियो दिया गया हिंदी व्याकरण का, तो वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको आप फुल देख सकते हैं संज्ञा के बारे में और सभी प्रकार के भेदों और उदाहरण के बारे में आप जानकारी उस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। संज्ञा के भेद मुख्यतः तीन होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा होते हैं। दो अन्य भी इसके भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। विलोम शब्द आपको लिखने हैं, रात का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे दिन, और अंधेरा का हो जाएगा उजाला या प्रकाश, वीर का हो जाएगा कायर। तो इस तरह से तीनों का पर्यायवाची शब्द लिखना है। फिर नवा इसमें विलोम शब्द था और नवे प्रश्न में पर्यायवाची शब्द दिए गए, हवा के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो यहाँ हो जाएगा वायु और पवन, यह हवा के हो जाएंगे। इसी तरह अगला दिया गया है आपको, जिसमें आग के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो नयन हो जाएगा, चक्षु हो जाएगा, तो ये आग के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसी तरह आगे दसवें प्रश्न में, विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को घर पर जरूरी काम होने के कारण एक दिन की छुट्टी लेने हेतु आपको यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र यहाँ पर प्रारूप दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं सेवा में यहाँ जाएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक जी राजकीय, यहाँ जो भी आपके विद्यालय का नाम है महोदय, यहाँ हो जाएगा सविनय निवेदन है कि मेरे घर पर जरूरी कार्य होने के कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, इसीलिए आप मुझे एक दिन का अवकाश दिलवाने की कृपा करें, इस तरह से लिखेंगे। फिर धन्यवाद लिखेंगे या दिनांक लिखाएंगे। फिर आगे अपना नाम, कक्षा और यहाँ पे अपने हाजिर नंबर या रोल नंबर लिखेंगे। शिष्य यदि लड़का है तो शिष्य लिखेंगे, बालिका होने पर शिष्य लिखेंगे, इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये एप्लीकेशन दी गई है, इसके अलावा और भी यदि कोई निबंध वगैरह आपको पूछा जाए तो उस पर भी आप आके लिख सकते हैं। तो ये रहेगा कक्षा 4 का हिंदी विषय का सैंपल पेपर जो कि हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये इसकी आपको PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।